So hey guys, welcome back to my video. Here today this video is about the classics. So yesterday we did to part number one of chapter number one, that is when, where and how, or baki chapter name bhi tha. So hum log bas usi ko bhi cover karne ja rahe hain, and this was a PDF of that. एंड आई थिंक कि मैं इस PDF को लाइक एक अच्छे से फॉर्मेट में करके बोले तो लाइक उसमें रख दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. सो दैट अगर तुमको एनोनेशंस वगैरह चाहिए होंगे सो यू विल बी ईजली एबल टू गेट दोज एनोनेशंस, एंड जो मैंने पढ़ाया होगा वो यू विल बी एबल टू सी, ठीक है. सो मैंने एक और चीज़ कल बताई थी, एज आई हैव गॉट मच डायरीज. सो इस वाली डायरी में, ये 2020 की थी. सो इस वाली डायरी में वी आर जस्ट गोना डू ऑल ऑफ दोज एनसीईआरटी. ऑलराइट, जैसे कि हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी. सो पार्ट नंबर वन में मैंने इतना भी लिख लिया था, ठीक है. सो अभी तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से कर लेना, ओके. एंड या सो जैसे जैसे मैं तुम्हें बताऊंगी वैसे वैसे आई विल जस्ट राइट ऑल थिंग्स दैट आई एम टीचिंग यू हियर, ठीक है. सो दैट मुझे भी ईजी पड़ेगा एंड तो तुमको अच्छे अच्छे खासे पढ़ लोगे तुम भी. सो यहाँ पे हम लोगों ने कल क्या देखा था. सो कल हम लोगों ने कल देखा था कि यहाँ पे when, where and how की बात हो रही थी, है what, where, how and when. तो in short I will just say when, where and how. ये when, wait, so ये है when, where and how. तो this मैं इतना सा बोल दूँगी so that तुम बस समझ जाना कि हाँ हम लोगों ने किया. तो हम लोगों ने ये मैप बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किया था ये वाला मैप. देन यहाँ पे देखो क्या आएगा, हम लोगों ने यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लिया था. एंड हमारा डे कौन सा था अगर 20 यूएस से डेट क्या थी 25 अप्रैल तक हम लोगों ने ये कर लिया था. सो टुडे इज 26 अप्रैल, तो आज हम लोग ये करेंगे, ठीक है. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द डेट हियर. सो ये थी 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 2023. सो हम लोग इसमें ये अपना चैप्टर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं. देन यहाँ पे 26 हमारी डेट आई है. अब नाउ टुडे वी विल डू दोस अदर थ्री पेजेस. देखो यहाँ पे अभी कितने पेजेस हैं हमारे पास, 10, और जिसमें कि वी विल जस्ट डू ऑलमोस्ट सभी करने हैं, बट हम लोगों को पढ़ाई कितनी करनी है यहाँ पे 8 पेजेस तक, ठीक है. तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 कर लिए, एंड आई विल रियली रियली ट्राई कि हम लोग पूरा चैप्टर आज फिनिश कर दें, ठीक है. डिपेंड्स ऑन माई एनर्जी, अगर हम लोग ज़्यादा कवर कर सकेंगे तो वी विल डू दैट. अभी तक आवर इंट्रो इज फिनिश्ड एंड इट इज 3:33. सो या लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. एंड दैट वॉज कि यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है वो होगा नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है. नेम्स ऑफ द लैंड. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. ऑलराइट, द वर्ड इंडिया यहाँ पे मतलब है कि दो वर्ड है, दो, एक ए वर्ड हो गया, एक ए वर्ड हो गया. एंड इंडिया के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, हमारी जो कंट्री है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यूज़, एक तो यूज़ करते हैं हम लोग इंडिया, एंड दूसरी हम लोग क्या करते हैं जहाँ पे तुम रहते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भारत, राइट. अब वो देखो न्यू की फैक्ट मिलेगा यहाँ पे कि द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, ठीक है. यहाँ पे तुमको एटलस पे मिला है, ये रहा एटलस. सो यहाँ पे एटलस कहाँ पे होगा, वेट अ मिनट. और एटलस या तो यहाँ पे इन्होंने दिया होगा, अदरवाइज तुम अगर हमारे पास कोई एटलस है तो जस्ट गो देयर एंड वॉच. तो मैं अभी बताऊँगी कहाँ पे होगा ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. तो वी विल जस्ट सी. सो क्या है, सॉरी एटलस
एटलस ऑफ और यू कैन से जस्ट एटलस. ओके सो एटलस हमारा कहाँ है, ये रहा. सो इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि जस्ट फाइंड आउट दी क्या ईरान एंड अदर थिंग्स. सो ईरान एंड ग्रीस मुझे एक्चुअली आता है, बट आई एम जस्ट गोना टू मेक श्योर कि तुमको अच्छे समझ में आए. ठीक है, तो ये देखो एक तो यहाँ पे ईरान जा, बट आई एम रियली लाइक आई रियली वांट टू कि मैं तुमको अच्छे से एक बार बता दूँ. तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे देखते हैं. तो ये देखो ये है ना, ये हमारा क्या है, ग्रीक और ईरान. ठीक है, तो इतना जो वर्ल्ड मैप है तुम्हारा एटलस पे तुम अगर देखो, अब हम लोग अगर न्यू एटलस देखें तो एटलस ओके एटलस यहाँ पे है. तो हम लोगों को यहाँ पे ये रहा हमारा एटलस. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, अगर तुम इसको डाउनलोड नहीं कर सकते स्टिल वेयर इसको ना और जूम इट एंड यहाँ पे रहा ये. तो ये हमारा क्या है, ये इंडिया है हमारा. ठीक है, अब देखो कहाँ पे है ये ईरान. सो ईरान हमारा इधर साइड में, ये जो मिडल ईस्ट है ना, मिडल ईस्ट में हमारा ईरान है. ठीक है, सो राइट डाउन दिस कि मिडल ईस्ट में वी हैव आवर ईरान. ठीक है, देन ग्रीस कहाँ पे है हमारा, ग्रीस भी यहाँ इधर साइड पे है. तो ग्रीस कहाँ पे होगा, ये भी बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट सा लाइक कंट्री सी है. सो यहाँ पे कैसे करके निकला था, बट इट इज़ नॉट हियर, यहाँ पे होगा ये. ठीक है, ठीक है, और सो ये हमारा है ग्रीस एंड हियर. ये तो डिज़ाइंस वगैरह होंगे, कोई कार्टून वगैरह इन्होंने बनाए होंगे. सो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये इंडिया है मेरा, बोला हमारा एंड हेयर इट इज़. तो यहाँ पे देखो अगर मिडल ईस्ट पे तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा तुमको, तुमको ये इधर साइड पे मिलेगा बहुत. अगर यहाँ पे तुम देखोगे इधर साइड पे है, देखो है ना, ये यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ है, ये निकला है, ये निकला हुआ यहाँ पे ना, ये चीज़ यहाँ पे है. तो ये कहाँ पे हुआ, यूरोप में. ठीक है, सो तुम्हारे लिए आई एम जस्ट गोना कन्फर्म इट, क्योंकि मुझे एक्चुअली में पता ही है. सो आई एम जस्ट गोना कन्फर्म इट फॉर यू कि इस ग्रीस इन यूरोप. तो साउथ ईस्ट यूरोप में, तो आई जस्ट गॉट अ नो कि साउथ ईस्ट यूरोप में है. मुझे पता था कि यूरोप में है, बट इट इज इन साउथ ईस्ट. ठीक है, अब यहाँ से तुम अगर देखोगे तो आई एम जस्ट गॉना पुट अ स्मॉल डेट हियर. सो 26 अप्रैल, हम लोगों ने कब शुरू किया था ये, 25 अप्रैल 2023. ठीक है, अब यहाँ पे तुम अगर देखो, फिर से हम लोग बैक टू द टॉपिक आएंगे एंड हम आ रहे हैं यहाँ पे, 8 मिनट कंप्लीट हुए हैं. हम आई विल रियली ट्राई कि आधे घंटे में हमारे चैप्टर हो जाए. ईरान एंड ग्रीस हम लोगों ने बहुत अच्छे से फाइंड कर लिया और ये भी पता लगा लिया कि मिडल ईस्ट में ईरान है और यूरोप मतलब ग्रीस जो है वो यूरोप में है. ठीक है, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, द वर्ड इंडिया यहाँ पे देखो, ये थोड़े बहुत अच्छी बात है यहाँ पे लिखी है कि द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस एंड कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इंडिया का वर्ड है लाइक हमारी जो कंट्री है
कंट्री हमारी कुछ इस टाइप से है, सो ये कंट्री हमारी हो गई, ऐसे थोड़ी बहुत है ना। सो ये हमारे इस कंट्री को बोलेंगे हम लोग इंडिया, है ना, हमारी कंट्री है, मैंने यहाँ पे बताया भी था तुमको। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं इंडिया एज अ निकनेम। सो यहाँ पे इसको सिंधु बोलते हैं इन संस्कृत, और ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया, इंडस से। सो या बैक टू द टॉपिक एंड हियर वी आर की देखो यहाँ पे क्या है, द इरानियंस एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called the Hindus or Indos. Okay? So, जो Iranian and Greeks थे जो कि northwest से आए थे, so यहाँ पर क्या होगा कि Iranian and Iranian and the Greeks राइट डाउन इट इन योर कॉपी एज वेल सो दैट हम लोग साथ में लिख सके, एंड तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा ना मेरा होगा। सो ग्रीक एंड ये जो थे वो केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट। अगर तुम लोग अपने उसमें देखोगे मैप में तो नॉर्थ वेस्ट तुमको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो ये नॉर्थ हुआ ये वेस्ट हुआ, तो यहाँ से लोग आते होंगे, मतलब ये जो ईरानियन थे ना, ये ईरानियन एंड जो ग्रीक थे ये आ रहे थे, ग्रीक थे ईरानियन एंड ग्रीक जी आर ई टी। तो ये ग्रीक जो थे ये आए थे नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, हम लोगों ने समझ भी लिया कि इधर साइड से आए थे। और अब यहाँ पे देखो ये जो ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे एंड वो फैमिलियर विद इंडस, ठीक है, एंड कॉल्ड इट एज हिंदोज और द इंडोज। जो ये इंडस जो थी ना, ये ग्रीक और जो वो थे ग्रीक एंड तुम कह सकते हो कि ईरानियन जो पीपल थे वो आए थे नॉर्थ वेस्ट से और ये जानते थे इंडस को, और इंडस से हम लोगों को क्या वर्ड बना है, इंडिया, ठीक है। तो हाँ यही था, ठीक है। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर कॉल्ड इंडिया, ठीक है, जो लैंड थी ना ईस्ट साइड में, ईस्ट इधर साइड में होगा अपने मैप के, इसमें मैप करो तो, है ना, तो उस रिवर का नेम क्या था, इंडिया। द नेम भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे देखो क्या आप लिखेंगे कि इंडिया जो वर्ड था, तो ये इसको क्या हम लोग, ये कौन से मतलब कहाँ से आई थी, तो रिवर से आई थी, ठीक है, और जो रिवर थी वो कहाँ पे थी, एंड लैंड टू द ईस्ट, ईस्ट में रिवर थी, ठीक है। एंड जो जो वर्ड था भारत, तो भारत का जो वर्ड हमारा आया था यहाँ पे लिखा यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पे क्या ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ, हु लिव्ड इन द नॉर्थ, in the northwest and were mentioned in Rigveda, ठीक है, ये लोग जो थे Rigveda में इनको mention भी किया गया था। The earliest composition of Sanskrit dated about the 3500, later it was used for the country, ठीक है। Rigveda ऐसे बताया कि earliest composition in Sanskrit है, ठीक है। तो बस हमारा ये वाला टॉपिक भी सॉर्ट आउट हो गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे कि पहले क्या हुआ था, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे ये इतने ही समय पहले हुआ था। सो देखो, देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू रिसर्च फॉर द रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो।
पहले तुम्हारा तो हो गया वे कि तुम लोग जो पहले बहुत पहले बुक्स लिखी होंगी तो उनको पढ़ लो। दीज आर कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक न्यू वर्ड मिला। न्यू वर्ड तुम्हारा क्या है? मैन्यू SCRIPTS मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट बेसिकली क्या हुआ? तो देखो देखो यहाँ पे है ये लॉन्ग लॉन्ग अगो बुक्स। ठीक है, बहुत पहले जो बुक्स तुमको लिखी हुई मिलती थी ना उनको कहते थे हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे टर्म्स भी है थोड़े मैन्यूस्क्रिप्ट से रिगार्ड्स। तो देखो बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। ठीक है, बिकॉज दे वर, क्योंकि पहले प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह होती नहीं थी, किसी ना किसी ने डिस्कवर किया था। तो पहले जब हम प्रिंटिंग मशीन के पहले जो हाथ से लिखी जाती थी बुक्स वगैरह तो उनको हम लोग बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, दे वर रिटन बाय हैंड। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मैनू। ठीक है, मैनू मीन्स हैंड। तो ये वर्ड जो है टर्म केम फ्रॉम कहाँ से आई है ये जो वर्ड है? लैटिन से, जो कि है मैनू मीन्स हैंड, है ना? मैनू मीन्स क्या होता है? हैंड होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रही है दे वर यूजली रिटन ऑन द पाम लीव्स। सो जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी दे वर रिटन ऑन पाम लीव्स। देन यहाँ पे क्या हुआ? ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज अ बिट्स और बिट्स। तो बिट्स की ब्रैकेट में तुम लोग क्या लिखोगे? स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, जो छाल होती है ना ट्री की, अगर देखो छाल मतलब तुम्हें बताऊँ, यहाँ देखो यहाँ पे आओ ग्रीन से लेते हैं तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ये पेड़ हुआ हमारा, अब ये पेड़ में जो डंडे डंडे से लगे डंडी होती है ना यहाँ पे, अगर ये तुम दोबारा कर लो अच्छे से समझ आएगा। ऐसे ये तुम्हारी डंडी हो गई, अब यहाँ पे क्या होगा? इसमें से अगर तुमने कोई चाकू लिया और चाकू से लाइक ऐसे खदोड़ दिया हुआ, तो इसमें से जो निकल के आएगी ना लाइक वो ऐसे करके आएगी जो, इसको हम लोग बोलेंगे छाल। इसको हम लोग बोलते हैं छाल। ठीक है, छाल इसको, और छाल तुम हिंदी को इग्नोर करना क्योंकि हिंदी मुझे लाइक लिखनी नहीं आती होती सही से। तो ये छाल हुआ, तो छाल को हम लोग क्या बोलेंगे? बार्क। ठीक है, वी विल राइट इट एज बार्क। ठीक, विच ग्रोज इन हिमालय, हैं जो ये थी बार्क वो हिमालयाज में ग्रोज इन। ठीक है, देन ओवर द ईयर मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट और सम वर डिस्ट्रॉय बट मैनी, जो ये ऐसे करके मैन्यूस्क्रिप्ट बनती थी पहले ये कहाँ पे लिखी हुई पत्ते पे। तो ये जो बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट, एक तो इन्होंने इतने मेहनत से लिखा है, अब ये जो थी ना वो इंसेक्ट वगैरह खा लेते थे क्योंकि लीफ वगैरह तो इंसेक्ट खाते ही है ना, तो ये सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी वो खा लेते थे। और जो बहुत थोड़ी मतलब थोड़ी होती थी लाइक ढेर सारी भी होंगी तो थोड़ी होंगी तो वो जिंदा रह गई वो। ऑफन प्रिजर्व इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज, तो जो जिंदा रह गई थी उसको टेम्पल्स या फिर मोनेस्ट्रीज में हम लोग इकट्ठा करके रखते थे। दिस बुक डेल्ट विद ऑल द काइंडनेस ऑफ सब्जेक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस द लाइफ ऑफ किंग्स मेडिसिन साइंस रिसाइडियर एपिक और एपिक पोएम्स प्लेस बट मैनी वर रिटन इन संस्कृत। बेसिकली जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, ये मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई, इसमें क्या क्या लिखा जाता था मतलब इन मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ तो तुम लिखोगे, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट जल्दी बताओ। बताओ 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 बताओ, देखो क्या लिखा जाता है।
दिस बुक डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, जो कि थे सब्जेक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, और ये लाइफ के किंग्स की लाइफ के बारे में लिखी जा रही थी। और वहाँ पे बहुत बहुत एपिक जो पोएम थी ना, वो क्या कहते थे उसे, क्या कहते थे, पोएम्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा ये लोग आते थे ना, पोएम्स प्लेस वगैरह में। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, फिर क्या होगा, रिटन इन संस्कृत, ठीक है। अब संस्कृत में आ गई अदर वर्ड इन प्राकृत, प्राकृत लैंग्वेजेस यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो जैसे इसमें देखो तुमको एक और न्यू वर्ड मिला कि प्राकृत। प्राकृत मीन्स होता है लैंग्वेजेस बाय ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। इसको तुम लिख लो अपनी कॉपी में, जब मैं नीचे देखने लगा करूँ इसका मतलब है मैं लिख रही हूँ, तो तुम भी लिख लिया करो, अच्छा रहेगा। फिर देखो, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस जैसे स्टोन और मेटल, समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे। तो यहाँ तक देखोगे जो वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, मेरा एक पेज घट हुआ है, सो इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस क्या होती थी बेसिकली, कि जो उस पर लिखते हैं ना स्टोन्स वगैरह पे राइटिंग जो होती थी, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट तो हो गई जो पत्तों पे लिखी जाती थी, इंस्क्रिप्शंस वो हो गई, तो उस पर हुआ रिटन रिटन ऑन दी स्टोन और दी हार्ड सरफेस। ठीक है, ये इतना हो गया तुम्हारा। देन यहाँ पे क्या आएगा, sometimes king got their orders inscribed so that people could see read or obey them. There are other kinds of inscriptions as well where men and women including king and queen recorded what they did. For example, king often records victories in the battle. तो ये जो ये होते थे ना inscriptions, इन पे जो राजा वगैरह होते थे या फिर कोई basic इंसान भी होता था, तो वो क्या करता था, उस पर लिखवा लेता था, कुछ भी लिखवा उसकी मर्जी है, वो अपनी लाइफ के बारे में लिखवाता था कि वो पूरे दिन में उसने क्या किया, या फिर जो किंग वगैरह होते थे एग्जांपल के लिए, तो किंग वगैरह जैसे कोई किंग है वो लाइक बैटल करके आया है कोई, देखो फिर तो समझ में आएगा ऐसे कि किंग ये है, ठीक है, इसने बैटल करी एंड तो इसको अच्छा खासा ताज मिल रखा है, ठीक है, तो इसने अपनी विक्ट्री के बारे में कि यहाँ पे इसकी विक्ट्री हुई है, ये शॉर्ट लिखा मैंने, तो इसके बारे में इसने लिख लिया, ठीक है। इसको तुम रहने दो, और एक वो यहाँ पे बस इतना ही है कि तुमको एडवांटेज पता हो सकते हैं क्या, या फिर कितनी ज़्यादा मुश्किलें होती होंगी इन सब में लिखने के लिए, क्योंकि तुम्हें तो केवल इतना लिखना है अभी के टाइम में कि पेन चला दिया या फिर माउस मैंने चला दिया ऐसे करके, उन लोगों को तो पूरे पत्थर तोड़ने पड़ते होंगे। There were many other things that were used in the past, तो बहुत सारी things जो पहले हुई थी। Those who study those objects are called archaeologists. तो archaeologist क्या होते हैं, यहाँ पे जो इन सब के बारे में पढ़ते हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट हो गए या फिर इंस्क्रिप्शंस हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई पाम लीफ पर लिखने वाला, और जो हो गए लाइक स्टोन वगैरह पर लिखने वाले लोग होते क्या इंस्क्रिप्शंस, तो इन सब की जो स्टडीज करने वाला आदमी कोई भी होता होगा उसको कहते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। दे स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, जो बहुत पुरानी पुरानी एंशियंट जो होती होंगी, एंशियंट बोलते बहुत पुरानी को, ठीक है, एंशियंट, ठीक है, तो इन सब पूरी पुरानी बिल्डिंग्स होती होंगी ना, उनके बारे में वो लोग पढ़ते हैं,
दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट एक्सकावेट मीन्स क्या होता है, डिग अंडर द सरफेस। लाइक तुम अगर इतना तुम्हारी अर्थ है और ये कोई आर्कियोलॉजिस्ट है तो ये अंदर खोद भी लेगा वो। जैसे ये हो गई क्या उसकी शॉवल, और इसको इसने जाते 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 बहुत डीप टनल कर लिया, यहाँ पे उसको कुछ मिल गई। अब इसको उसको इसको इसने ये सब इसने करके उसको मैन्युस्क्रिप्ट को पा लिया एंड नाउ ही इज, ये देखो उसने पा लिया, यहाँ पे टनल हो गया, नाउ ही इज हैप्पी। ठीक है, अब देखो बाद में क्या होगा यहाँ पे। ये देखो टू ये लाइक कॉइन्स वगैरह को ढूंढते थे, पॉट्स पैंस वेपन वगैरह को। देन सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन। यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको बहुत सारे लाइक बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते थे ना, ये क्ले हो गई, मेटल हो गई, बहुत सारे ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेलेबल सब्जेक्ट यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग। तो लॉन्ग में कौन से सर्वाइव कर पाए जो कि थे मेटल के, ठीक है, सिल्वर की कुछ होता होगा, मेटल ही थी, क्योंकि कोई भी इंसेक्ट वगैरह उन्हें नहीं खा सकता, ये मेटल्स के ही होंगे ये सब। तभी तो देखो बिल्कुल ही ऐसे करके पूरा ही गोल है वो। ये देखो 4700 ईयर्स अगो का है ये, बहुत बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बहुत पुराना है ना ये। एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन, देखो यहाँ पे कॉइन्स मिले तुमको। इन व्हाट वे इज द कॉइन इज डिफरेंट फ्रॉम द वन वी आर यूज टुडे, कि ये शेप में अलग हो गए, या फिर बोल सकते हैं मेटल इनका अलग होगा, है ना। फिर वी विल जस्ट डू दिस मच, फिर नेक्स्ट पार्ट में वी विल डू अदर थिंग, क्योंकि मुझे भी खाना खाने जाना है एंड इट इज 11:30। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल। ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, जो अच्छी चीज़ अपनी ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो ये लोग अपने बोन्स वगैरह का भी ढूंढ देते हैं, फिश वगैरह की, मतलब अदर वगैरह। तो टू फाइंड कि पुराने ज़माने में पीपल क्या खाते थे, प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रियरली, इफ सीड्स और ग्रेन पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न दे सर्वाइव इन अ, यू कैन से वेट अ मिनट, एंड यहाँ पे देखो जो प्लांट्स वगैरह होते थे ना, जो सर्वाइव कर लेते थे, और उन्होंने बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया होगा, बहुत कम ही लोग करते थे, क्योंकि जो सीड्स वगैरह होती थी वो इंसेक्ट वगैरह, जो इंसेक्ट होता था पार्टिकुलर, वो इन सीड वगैरह को लाइक एज अ फूड कंज्यूम कर लेता होगा ना, तभी उनको लाइक ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कि दे वर एबल टू लिव। तो ये क्या है, ये सीड है, तो इसको तो लाइक मजा आ गई होगी कि फूड है इसके लिए, तो है ना, तो ऐसे करके तुम याद कर सकते हो। देन डू यू थिंक क्लोथ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, तो यस होगा यहाँ पे, वहाँ पे तो सब कुछ लेते थे ना। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, तो हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, उसको लिख लो। हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो कि स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। ठीक है, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन पास्ट फ्रॉम मैनुस्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। तो ये जो होते थे हिस्टोरियंस, ये इन सबको भी लाइक इनके बारे में भी जान वो करते हैं, डिस्क्रिप्शन या फिर डिकोड करते हैं। ओके, वन सोर्स ऑफ फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकेम एन एडवेंचर। जो पुराने चीज़ों के बारे में जो लोग जानते थे ना, जानने की लाइक ये सब बढ़ती गई एंड ये धीरे धीरे एक एडवेंचर के रूप में आ गया। ठीक है, एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, हम लोग इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं कि हमारे पास अगर ये है तो इसको हम लोग बदल के ऐसे कर दिया, तो इसको रिकन्स्ट्रक्ट बोलेंगे, है ना। तो इसको धीरे 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 करके हम लोगों ने इस वाले फॉर्म में लाया है, कि ये गंदी फॉर्म थी यानी बहुत अच्छी फॉर्म हो गई, कि हम लोगों को बहुत कुछ अभी पता है पुराने चीज़ों के बारे में। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, जो यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि जो हिस्टोरियंस हैं और आर्कियोलॉजिस्ट है ना, वो डिटेक्टिव के उसमें आते हैं, कि
डिटेक्टिव की तरह ही होते हैं ना, कि उनको पता चल जाता है कि कौन क्या है और पुरानी चीज़ों के बारे में करते हैं. तो हु यूज ऑल दीज रिसोर्सेज लाइक क्लू टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट. जो डिटेक्टिव होते हैं वो भी सेम करते हैं कि वो भी हमारे क्लूज वगैरह ढूंढते हैं कि उसमें पुरानी जिंदगी में मतलब पहले हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है. तो इसी उससे बेस से वो लोग जो हैं धीरे धीरे करके पता लगाते हैं कि रॉबर या फिर कुछ और है तो उसने ये क्यों काम किया है. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई रियली रियली होप यू वुड लाइक दिस टू सो मच. एंड मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है टू बी ऑनेस्ट. एंड या दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई रियली रियली होप दैट यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड. ओके सो यस एंड दैट इज इट. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.